कि क्या कुरुक्षेत्र और इनके समय भी हमारे निर्माण की आय सांस्कृतिक निर्माण है, तो इसके बारे में छोटा सा प्रकार डालना। इन धारणाओं के जो सबको पता था कि कृष्ण साक्षी है और अर्जुन किस तरह वाले अपने गांधी धारण अपने बाण के दृश्य को धारण करने वाले हैं, ये सभी को पता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर अपने रथ को लेकर जा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बार मेरे को दोनों सैन्यों के बीच इस रथ को लेकर खड़ा कर दो, मैं एक बार उन सभी लोगों को देखना चाहता हूँ जो शत्रु हैं। लेकिन इससे पहले जब रात में युद्ध से पहले दूसरे दिन युद्ध आरंभ होने वाला था और पहले दिन शकुनी आदि सब लोग बैठे, द्रोणाचार्य भीष्म बहुत बड़े बड़े लोग बैठे और सभी लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को हरा सकते हैं लेकिन अर्जुन को और कृष्ण को साथ में हो तो हराना मुश्किल है। तब सभी लोगों ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, फिर अर्जुन को अगर अर्जुन के शत्रुओं को मारने वाला अर्जुन के बाणों को सहन करने वाला कौन है, क्या करना है। शकुनी ने बहुत बार विचार किया, सभी लोगों से विचार किया, बाद में उसने अपने विद्या की अपने विद्यादाता जिसको जिसने पांसे दिए थे, पांसे यानी जो बांसों के कारण उसने द्रौपदी को हरण हरण करवाया था, पांडव को अनुवाद भेजा था, उस विद्या के अधिष्ठाता उसके बाप के हड्डियों से बनाई थी वो जो पांसे थे, उसने उसको लगाकर कहा कि हम अर्जुन को कैसे रोक सकते हैं, कल युद्ध है और अर्जुन को कैसे रोक सकते हैं। तो पहले उस विद्या ने कहा कि तुम अर्जुन को रोक नहीं सकते, लेकिन ये एक बात है मैं तुम्हें कहता हूं, आज तुम किसी एक अगर बलरामपुरी के साधक को तुम तुम्हारे पास ला सकते हो तो उसमें सर्वोत्तम की जगह अर्जुन का नाम ले लो और कहो कि वो युद्ध के लिए हाजिर नहीं। शकुनी ने ढूंढा, उस समय बहुत महान ऋषि थे जिनका नाम था उत्तम महर्षि, उनके पास गए और उन्होंने कहा उनको कि आप बलरामपुरी के साधक हैं, हम चाहते हैं कि हम अगर जीतना है तो अर्जुन को रोकना है और आप बलराम की साधक है, अर्जुन को किसी भी प्रकार रोको। भाई क्या मामूली बात नहीं है, फिर भी आप इस बात को कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर यह सब सुबह 8 बजे से 8 बजे के बाद में अगर होता है तो मैं अर्जुन को रोक लूंगा, रात में मैं सौ माला मंत्र बदलाव ठीक करूंगा। उन्होंने शकुनी ने कहा तो जो चाहो देता हूं लेकिन अर्जुन युद्ध की लेना है, युद्ध ना करे। बलरामपुरी की साधना हुई और जैसा ही अर्जुन को कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि कृष्ण को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं शत्रुओं को देखना चाहता हूं। तो जैसे ही अर्जुन गया वहां शकुनी सामने खड़ा था, उसके हाथ में पीले पुष्प थे और उसने अर्जुन की तरफ उछाल कर कहा कि महान श्री कृष्ण को ले रहा हूं। लेकिन उस अर्जुन ने जब युद्ध में देखा तो उसकी बुद्धि स्तंभित हो गई। हम बलरामपुरी के मंत्र को क्या करते हैं, ओम ह्रीम बलरामपुरी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां क्षय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। और बुद्धि अर्जुन की विनाश हो गई, वो स्तंभित हो गया था, वो स्तंभित हो गया और कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मेरे दांत है नाक है, अरे मेरे माँ बाप है, मेरे साथ है, मेरे पिता है, मेरे गुरु है, इन सभी को मारकर अगर मैं युद्ध जीतूंगा तो मेरे के लिए क्या है, मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे तू युद्ध करने के आने के बाद ये सारी चीजें कैसे कर रहा है। कृष्ण तो जगदीश्वर थे, उन्होंने एक बार अपने आंख मोड़ ली और देखी कि क्या चक्कर चल रहा है। उन्होंने देखा कि ये शकुनी का चक्कर है, उसने पीले रथ जहाँ रथा के बीच में लगाया वहां पीले फूल डाल दिए हैं और बुद्धि अर्जुन की स्तंभित हो गई है, अब क्या करें। कृष्ण भी तो दशा विद्या ये
उनकी चालक थे और सिद्ध थे। उन्होंने कहा कि अब अर्जुन को अगर मैं नहीं रोक सका तो युद्ध से भाग जाएगा, पंडित होकर भाग जाएगा, अभी क्या करना है। कृष्ण ने कहा तेरी विजय तेरे पर डालता हूँ। और कृष्ण ने एक मिनट के लिए वही फूल उठाकर उधर डाल दिया और बकरा मुखी का मंत्र बोला कि सारा स्टेज स्तंभित हो जाए। उन्होंने कहा ओम लिंग बकरा मुखी सर्वदुष्टानाम, ये जो किए हैं ये सही है, पदम पाचम पदम मुखम स्तंभ युवाम के लिए बुद्धि विनाश है। इन लोग ये सब लोग तो आप जानते हैं अगर युद्ध चल रहा है तो हम आप कभी विचार किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता 18 अध्याय बोल रहे थे और तब तक क्या हाथी घोड़े खेल रहे थे। धुमावती और उन्होंने धुमावती के मंत्र को बोला और बगला मुखी के स्तंभन को अर्जुन के अस्त्र निकाल दिया। जैसे अर्जुन को एक एक शत्रु की बात याद दिलाने लगे, अर्जुन को गुस्सा आने लगा, हाँ मैं जरूर युद्ध करना चाहिए, मैंने मेरे गोदरी को हमने चीरहरण किया था, हमारे राक्षस घर में गला लिया था, अभिमन्यु को मारा था, एक अकेले को देखकर ये सारी चीजें किए, जब उन लोगों को मेरे पत्नी के बारे में कोई गौरव नहीं, मेरे बेटे के बारे में गौरव नहीं, मेरे भाइयों के बारे में गौरव नहीं, हमें पान भी नहीं देते, मैं किस गौरव की बात कर रहा हूँ, कौन से महाराजा के, कौन से भीष्म, कौन से दुर्योधन की बात कर रहा हूँ, उनको मैं क्यों गौरव हूँ, उनको क्यों नहा। और अर्जुन कृष्ण की उस गीता के उपदेश को उन्होंने लिया और युद्ध के लिए संन्यास सन्नत हो गए। और कृष्ण ने कहा अर्जुन अब आगे मत सोच, और महान से महान बनाने वाली ऊपर देने ऊपर से विश्व के विश्वरूप को बताने वाली वो महाविद्या पहुंची है जिसको विश्वधानी ने विश्वरूप बताया था, स्वामी निकृष्णानी ने विश्वरूप बताया था, स्वामी निकृष्णानी हिमालय में बैठे हुए थे, उन्होंने उनको जब पूछा गया कि प्रभु ये अनिवार्य स्थितियां आज भी है क्या, तब सर्वोदय स्वामी निकृष्णानी मक्खी के उतने हुए और बाद में उन्हें विश्वरूप बनाया तो कहते हैं कि पूरे 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे हुए, जिसको देखने के लिए कुछ उनको सोच के देखना पड़ा, ऐसे स्वामी निकृष्णानी ने अपना विश्वरूप बताया। तो विश्वरूप अब हम ये बताएं कि विश्वरूप बताने वाली महाविद्या, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि हर ये बात अपने को किसी ने नहीं बताई कि आपने को सिर्फ महाभारत की कथा बताई है, लेकिन महाभारत में ये नहीं बताया गया कि विश्वरूप किससे होता है, किस प्रकार कौन विश्वरूप धारण कर सकता है, किसके पास कौन सी विद्या से विश्वरूप धारण करने का विधान आता है, कौन सी महाविद्या है ऐसी जो हमें विश्वरूप धारण करने के लिए अनुमानित सिद्धियों को निर्माण रखी है और हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती है, ये कौन सी विद्या है। तब इस विद्या के बारे में बताते हुए कहा कि जिसने लेकिन
तो विशुद्धा ने बताया, विश्व स्वामी कृष्णा ने बताया, अणु विद्या के बारे में, ब्रह्मांड विद्या के बारे में बताया भी। तो मैं ये आपको इसलिए बताया था कि हमें कुरुक्षेत्र आदि विद्या, कुरुक्षेत्र आदि महाभारत में महाविद्याएं कहां तक कहां कहां काम करी, इसका ध्यान हमें होना जरूरी है। हम आज सोचते हैं बदलाव के लिए क्या करना है, बदलाव की यानी हम अगर सोचें, मैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, नहीं मेरा भाई है ना बहुत दीवार मेरे घर के बाद में दीवार खड़ा कर दिया है और मेरे से बहुत झगड़ता है, बोली इतना बदमाश है क्या मुझे, और ऐसा करो मेरी भाई पर बदलाव की विद्या प्रदान करता है, भाई पर बदलाव की विद्या कहीं आता है, मेरी बीवी को ये बहुत इतनी खराब है, गालियां दे रही है बहुत है, एक बार ऐसा करो मेरी मेरी बीवी पर बदलाव की विद्या लगा, उसको हम तो हमारे पास बदलाव की विद्या का इतना छोटा सा इतना भ्रष्ट कार्य हो रहा है कि बदलाव की विद्या कहां है। मैं कहता हूं यही बदलाव की विद्या साधको, जैसे कृष्ण ने किया, एक बार पंडित कर दो पाकिस्तान को, एक बार पंडित कर दो चाइना को, आपके अपने भाइयों पर, अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर बदलाव की विद्या मत डालो। नमस्ते विद्या लक्ष्मी है और मैं तुझे संतुष्ट रखूंगा तो मेरे पास लक्ष्मी रहेगी, और जिस दिन तो रोएगी मेरे घर में दरिद्रता आना आरम्भ हो जाएगा। और गुरु ये भी कहते हैं कि हमें दीपावली के दिन पत्नी को गृहलक्ष्मी के रूप में पूजा करनी है। अगर आज सब लोग सर्वलक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं इनको कभी भी पूछो कि सर्वलक्ष्मी साधना में लक्ष्मी कौन से रूप में है, तो कोई नहीं बता सकते। पूरे सर्वलक्ष्मी के पूरे जग में कहीं लक्ष्मी को माँ नहीं कहा है या बहन नहीं कहा है, माँ नहीं कहा है, उनको देवी की शक्ति के रूप में कहा है। बिल्कुल फर्क पड़ो कहीं उसका अर्थ ले लो, कहा है कि तुम देवी हो और तुम मेरे शक्ति के रूप में काम करो। महालक्ष्मी को माँ कहकर सर्वलक्ष्मी में पूजा नहीं जाता, यही लटोरा बाबा यही स्वामी कृष्ण ने कहे, जिसको महालक्ष्मी शक्ति के रूप में आई उसका घर उसका सब कुछ उद्धार हो गया। माँ है तो गालियां भी देगी, माँ है तो खाना भी खिलाएंगी, और कहाँ तक करेंगी तुम्हें, खाना खिलाकर पाल पोस के सुलाने का काम कर सकती है माँ, बहन काम सकती है, भैया के साथ रो सकती है, भैया के साथ दे सकती है, दूसरी कोई भी शक्तियां हैं वो प्रेम प्रदान कर सकती है, लेकिन पत्नी ही एक ऐसी चीज है तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ काम कर, तुम्हारे हर एक तुम्हारे जीवन में और हर प्रकार की तुम्हारे पढ़ाई दे सकती है और तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें कहीं, अगर तुम सच्चे प्रेम पत्नी पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को कोई मारने आया था तो रोकोगी क्या, या पत्नी तुम्हें कोई मारने आया तो पत्नी रुकेगी क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेम ही अलग है, ये भगवान का जुड़ा हुआ प्रेम है और इसको जो पालन करता है, इसलिए सूर्य लक्ष्मी में लक्ष्मी को शक्ति और पत्नी के रूप में आराधना की गई, माँ कहीं नहीं कहा गया, इसलिए लक्ष्मी की साधना करते गुरुजी भी कहा करते थे, गुरुजी का लक्ष्मी साधना, जब गुरु पूर्णिमा अपनी पास हुई तो गुरुजी ने कहा कि जोशी ने अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना संपन्न की है गर्जन में, और जब मैंने कहा था कि जोशी अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना दूं तो उसने कहा प्रभु अभी नहीं, मैं जब पूछूंगा तब मुझे इसकी स्थिति प्रदान करना, और गुरु पूर्णिमा में गुरु जी के वचन है, मैं आज इस गुरु पूर्णिमा में जोशी का उपर का वचन पूर्ण करना, और गुरु जी ने अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना संपन्न करवाते हुए गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी हो, और ये बात भी गुरु जी मैं बहुत बात में दोहराया और आज भी दोहरा रहा हूँ, कहा है कि मैंने गुरु जी का ऐसे कहा था कि गुरु जी मैं ऋणी ना हूँ, बस आप जितना भी गुरुदारी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऋणी मत बनाओ, मैं सब कुछ कर करने के तैयार। तो गुरु जी एक बात कही थी कि काठ की हड्डी चढ़े न दूसरी बात, ये लकड़ी की हड्डी नहीं है जोशी, ये जो तेरा गुरु खड़ा है ये सोने की हड्डी है, ये कभी इसके एक बार जलने के बाद उतारने वाली नहीं है। उन्होंने दूसरी बात की उसी शिविर में कहा था कि अगर अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना दे रहा और जोशी ने आज पूछी है तो मैं ये बात बोलता हूँ, अगर मैं लक्ष्मी को मेरे अंदर में जता सकता हूँ तो जोशी के अंदर में आएगी। मैं अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना करते हुए संपन्न करते हुए कम से कम 16-18 साल हो गए, 18 भी ज्यादा ही हो गए, 93 से करता हूँ, हर स्वामी की इसमें अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना करता हूँ पहले से लेकर, और आज जो आप ऐश्वर्य देख रहे हैं, आज जो लक्ष्मी के रूप में मेरे पास सामने देख रहे हैं, ये सब उसी लक्ष्मी की कृपा है।
तो निश्चित रूप से कभी आपके जीवन में ऐश्वर्य और भाग्य आए तो मेरा ये कथन है कि एक बार अपने घर में छोटे छोटे साधना पूर्ण संपन्न और पूर्ण शक्ति के साथ करो। पूर्ण ऐसा नहीं बोली लक्ष्मी को एक फूल लगाया तो चलता क्या, नहीं तो एक चढ़ा या फिर चक्कर बनाया नहीं चलता क्या, बोलो तो तेरे को उतना ही जितना दे रहा है। ऐसा पूरा करते समय सोचे थोड़ी सी चक्कर डाल दो ना लक्ष्मी के सामने, नहीं तो थोड़े से एक फूल डाल दो ना, आज आप लक्ष्मी को हो या अपने गुरु को हो अपने देवताओं को अगर आप अगर अपने घुमाते हैं तो उतने 10 बार उसके भी बड़े फ्लाइट में घुमाए। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप सभी को बताया कि हम सब मिलकर कोल्हापुर महालक्ष्मी को चलते हुए गए,